Hello everyone, my name is Siddharth Srivastava and I am Head ETF Products and Fund Manager at Mira Asset Mutual Fund. हम लोग जब भी small cap में investing के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान typically तीन चीज़ों के ऊपर रहता है. पहला, हम ऐसे portfolio या stocks में invest कर सके जो कि हमारे लिए returns generate करने में सक्षम हो. दूसरा, वो पोर्टफोलियो क्वालिटी कंपनीज से बना हुआ हो. एंड तीसरा, हमें कोई लिक्विडिटी का इशू ना आए निवेश करने के टाइम पे भी और एग्जिट करने के टाइम पे भी. ये करने के लिए हमें ऐसी कंपनियों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जो कि मल्टी बैगर्स हो सकती हैं, जिसका मतलब है आने वाले समय में अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकती हो, दूसरा वेल्थ प्रिजर्वर हो, जिसका मतलब है उनका बिजनेस स्टेबल है, अर्निंग स्टेबल है एंड उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस आपके पोर्टफोलियो में एक रोबस्टनेस लेकर के आती हो, और तीसरा ऐसी वेल्थ डिस्ट्रॉयर कंपनीज को अवॉइड कर सके जिनकी परफॉर्मेंस एट अ फंडामेंटल लेवल और एट अ स्टॉक लेवल पुअर है. अगर हम ये चीज़ें कर पाते हैं तो एक बहुत ही रोबस्ट स्मॉल कैप पोर्टफोलियो के थ्रू हम एक रिटर्न जनरेट करने की कोशिश कर सकते हैं. इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा एसेट दो ऐसे नए स्मॉल कैप फंड्स लेकर के आ रहा है जो कि NSE के निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स को ट्रैक करेंगे, जिसका पर्पस है कि वो 100 ऐसी कंपनियों को चुने जो कि लिक्विड हों, जो कि क्वालिटी फैक्टर दर्शाती हों और जो कि मोमेंटम फैक्टर भी दर्शाती हों. इस इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए हम लोग मिरर एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF लेकर के आ रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग फंड ऑफ फंड लेकर आ रहे हैं जिसका नाम मिरर एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF फंड ऑफ फंड है, जो कि इसी ETF में इन्वेस्ट करेगा. ये इंडेक्स NSE ने एक नए मेथोलॉजी से बनाया है जिसमें आपके स्मॉल कैप यूनिवर्स जो कि निफ्टी 250 इंडेक्स है उसमें से उन स्मॉल कैप कंपनीज को हटा दिया जाता है जो कि इलिक्विड है. इसको आइडेंटिफाई करने के लिए NSE 5 पैरामीटर्स को देखती है, जैसे कि स्टॉक में कितना अपर और लोअर सर्किट लग रहा है पिछले 6 महीने में, उसका टर्नओवर रेशियो कितना कम है, उसका ओवरऑल डेली ट्रेडिंग वैल्यू कितनी कम है, उसमें प्रमोटर प्लेजिंग कितनी है एंड उसकी लिस्टिंग हिस्ट्री कितनी है. इलिक्विड कंपनियों को हटाने के बाद NSE बची हुई कंपनियों को क्वालिटी फैक्टर्स और मोमेंटम फैक्टर्स पे अंकलित करता है. क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए NSE देखता है हर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पे, हर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ डेट टू इक्विटी रेशियो के बेसिस पे, और हर कंपनी की एक अर्निंग स्टेबिलिटी पिछले 5 साल के EPS वेरिएबिलिटी के बेसिस पे. मोमेंटम के लिए NSE देखता है कि उस कंपनी ने पिछले 6 महीने में और 12 महीने में कितना बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है. इन पैरामीटर्स के बेसिस पे हर कंपनी का एक क्वालिटी स्कोर आता है और एक मोमेंटम स्कोर आता है, एंड जो कंपनियां बोथ क्वालिटी
और मोमेंटम स्कोर पे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उन कंपनीज का लास्ट में चयन होता है। ऐसी 100 कंपनीज आइडेंटिफाई करने के बाद इस इंडेक्स का पोर्टफोलियो बनता है। सो ये 100 कंपनियां लिक्विडिटी, क्वालिटी और मोमेंटम फैक्टर्स पे खरी उतरी हुई हैं और इनके बेसिस पे ही इनका चयन हुआ है। इस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए किसी भी कंपनी का वेटेज रीबैलेंसिंग के टाइम 3% से ऊपर नहीं होता है। इससे इंश्योर होता है कि पोर्टफोलियो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहे और रिलेटिवली रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा स्टेबल रहे। लिक्विडिटी, क्वालिटी और मोमेंटम के बेसिस पे इस इंडेक्स को बनाने का फ़ायदा ये है कि जैसा एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, हिस्टोरिकली देखा गया है कि क्वालिटी फैक्टर की वजह से ये पोर्टफोलियो ज़्यादा रोबस्ट है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो मार्केट जब जब करेक्ट हुआ है, ये पोर्टफोलियो रिलेटिवली थोड़ा कम करेक्ट हुआ है एंड कम ड्रॉडाउन देखा गया है इसमें। मोमेंटम फैक्टर यूज़ करने की वजह से जब जब एक मार्केट ने ब्रॉड बेस रैली दी है, तब तब इस पोर्टफोलियो ने रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश की है। अगर हम देखें तो पिछले 18 कैलेंडर ईयर्स में से 16 कैलेंडर ईयर्स में इस पोर्टफोलियो ने ब्रॉडर स्मॉल कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया हुआ है। अगर हम देखें तो कई ऐसे साल हैं जिसमें जब मार्केट ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो इस पोर्टफोलियो ने भी रिलेटिवली उससे बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। और गौर करने की बात यह है कि जब जब मार्केट गिरा है उनमें से कई सालों में ये पोर्टफोलियो रिलेटिवली कम करेक्ट हुआ है। हालांकि ये ध्यान में भी रखने की ज़रूरत है कि 2 ऐसे साल रहे हैं जहां पे इस पोर्टफोलियो ने ब्रॉडर मार्केट को अंडर परफॉर्म भी किया हुआ है। अगर हम लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस की बारे में बात करें तो इस पोर्टफोलियो ने सिंस इंसेप्शन 24.1% CAGR रिटर्न दिया हुआ है। इसका परफॉर्मेंस रिलेटिव टू स्मॉल कैप सेगमेंट से या फिर निफ्टी 50 से पिछले 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के मुकाबले बेटर रहा है। अगर हम रोलिंग रिटर्न की भी बात करें, जो कि बात करता है कि अगर आप 1 साल के लिए निवेश करें या फिर 3 साल के लिए निवेश करें या फिर 5 साल, 7 साल, 10 साल, और इन अलग अलग इन्वेस्टमेंट होराइजन पे भी हम देखें एक एवरेज रिटर्न कितना बनता है, तो इस इंडेक्स ने आपके स्मॉल कैप इंडेक्स को हर इन्वेस्टमेंट होराइजन पे आउट परफॉर्म किया हुआ है। इवन एक्टिव फंड्स के कंपैरिजन में भी 1 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन में ऑन एन एवरेज रोलिंग रिटर्न बेसिस भी आउट परफॉर्म किया हुआ है। एंड जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, अगर मैं आज इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करूं स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स के रेगुलर प्लान से और डायरेक्ट प्लान से, आप देखेंगे कि कई सारे स्मॉल कैप फंड्स को पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे या फिर 7 साल और 10 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी आउट परफॉर्म किया हुआ है। इस परफॉर्मेंस का हमारे हिसाब से रीज़न यही है क्योंकि ये पोर्टफोलियो क्वालिटी और मोमेंटम के बेसिस पे बना हुआ है, जिसमें ये एक ब्रॉडर रैली को कैप्चर करने की कोशिश करता है और कई बार सक्सेसफुल भी हुआ है, और क्वालिटी की वजह से रिलेटिवली ड्रॉडाउन कम है, करेक्ट कम होता है, एंड इसीलिए कई बार जब मार्केट करेक्ट हुआ है तो ये कम फॉल भी हुआ है। अगर मैं करंट मार्केट कंडीशंस और वैल्यूएशंस की बात करूं, तो स्मॉल कैप तकरीबन 20% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। उनका 12 मंथ फॉरवर्ड PE अराउंड 26.5-27 है, जिसका मतलब ये है कि निवेशक को
इस समय स्मॉल कैप में काफ़ी सोच समझ करके निवेश करना चाहिए। स्मॉल कैप में कंपनीज ने बेहतर अर्निंग्स दी हैं रिसेंटली, जिससे ये वैल्यूएशन थोड़ा बहुत जस्टिफाइड भी है। लेकिन इस हायर वैल्यूएशन पे आपको टिपिकली अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़्यादा लेके चलना पड़ेगा। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जब लोगों ने हायर वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट किया है तो भी उन्होंने रिटर्न्स बनाए हैं, लेकिन वो रिटर्न्स बनाने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि 5 से 7 साल। SIP शायद एक थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीका हो निवेश करने का, अगर आपको लगता है कि ये एक मार्केट पीक है। हमारे एनालिसिस के बेसिस पे इवन पीक के टाइम पे निवेश करने पे, अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं और SIP वो एक लॉन्गर टर्म के लिए चालू है, तो आपका रिटर्न एक निफ्टी 50 के रिटर्न से भी बेहतर हो सकता है। सिमिलरली लम सम में निवेश करने के लिए आपको एक लंबे अंतराल के लिए निवेश करना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म में अपनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी मेलो डाउन करनी पड़ेगी। अगर आप स्मॉल कैप सेगमेंट में निवेश करने के इच्छुक हैं और आपकी रिस्क प्रोफाइल परमिट कर रही है और करंट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सेगमेंट में, तो आप ये फंड का आंकलन ज़रूर करिए। इस फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आकर के ETF एंड फंड ऑफ फंड के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।